हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेनरी। तो आप सभी का हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 12th पार्ट में स्वागत है। तो इस सीरीज में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो आप सभी स्टूडेंट्स और एस्पेरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए जो हमारा चैनल है सिंसिया ब्रेनरी, उसमें डिफरेंट सीरीज हैं, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज, वेजिटेबल साइंस की एमसीक्यू सीरीज है, जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर है उसकी एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर के जो एपिसोड्स हैं, एंड देन वी हैव जनरल स्टडीज की एमसीक्यू सीरीज है। तो जितने भी हमारे सीरीज हैं, जितने भी हमारे वीडियोज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिसके साथ हमारी डिस्कशन जो हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अर्का संजीवनी एंड अर्का महिमा आर द ब्राइटीज ऑफ। तो जो अर्का संजीवनी है एंड अर्का महिमा, ये दोनों किसकी ब्राइटियां हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सोलेनम बियरम। एक्चुअली जो सोलेनम बियरम है, एक वाइल्ड स्पीसीज है ब्रिंजल की, और ये जो अर्का संजीवनी एंड अर्का महिमा है, ये इसी की ब्राइटीज है। सोलेनम बियरम जो है इसका, सोलेनम खासियनम जो है वो इसका सिनोनिमस है। तो इसमें जो अर्का संजीवनी है वो डिप्लोइड वैरायटी है, और जो अर्का महिमा है वो टेट्राप्लोइड वैरायटी है। नेक्स्ट इज, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इसबगोल इज, जो आपका इसबगोल प्लांट होता है, प्लांटेगो ओबेटा जो होता है, तो उसमें जो इकोनॉमिक पार्ट होता है वो कौन सा होता है? सीड, लीव्स, हस्क या हस्क ऑफ द सीड। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, हस्क ऑफ द सीड। नेक्स्ट इज, विच अल्केलॉइड इज नॉट प्रेजेंट इन सर्पगंधा। जो सर्पगंधा आपका प्लांट है, उसमें इनमें से कौन सा अल्केलॉइड है जो प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, सोलेसोडिन। सोलेसोडिन जो है वो सर्पगंधा में प्रेजेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड अगेंस्ट हर्ट डिजीजेस। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो आपकी हर्ट डिजीजेस होती है उनमें बेनिफिशियल होती है, तो उसको रोकने के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, फॉक्स ग्लोव। नेक्स्ट इज, अर्का उपकार इज ए वैरायटी ऑफ। अर्का उपकार जो वो किसकी वैरायटी है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, डायोस्कोरिया फ्लोरीबुंडा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ बिटर्स। इनमें से कौन सी प्लांट स्पीसीज है जिसको हम किंग ऑफ बिटर्स के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। इसको हम कॉमनली कालमेघ के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मेनली जो फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो इसको हम किंग ऑफ बिटर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज, फॉर रेजिन मेकिंग ग्रेप वैरायटीज शुड हैव टीएसएस। जब की रेजिन बनता है तो उसके लिए जो ग्रेप वैरायटीज होती हैं, तो उनमें टीएसएस कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, मोर देन 19 डिग्री ब्रिक्स। एक्चुअली जर्नी जो रेजिन मेकिंग वैरायटीज होती है, उनमें 20-20 डिग्री ब्रिक्स की जो टीएसएस होती है वो पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग मोर देन 19 डिग्री ब्रिक्स। द मोस्ट मेडिसिनली एक्टिव फाइटोकेमिकल इन एंड्रोग्राफिस, हमने पीछे पढ़ा जो एंड्रोग्राफिस है, जिसको हम बिटर प्लांट भी कहते हैं, जो किंग ऑफ बिटर्स भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सबसे एक्टिव मेडिसिनल फाइटोकेमिकल वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, एंड्रोग्राफोलाइट। नेक्स्ट इज, द ओरिजिन ऑफ जिरेनियम इज, जिरेनियम जो आपका फ्लावर है, तो उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? इसका राइट आंसर है आपका सी, साउथ अफ्रीका में। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज एट, जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, सी मैप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जो एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, ICR का नहीं है, CSIR का इंस्टीट्यूट है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज, बोटेनिकल नेम ऑफ कॉमन और स्पीयर मिंट इज, जो आपका स्पीयर मिंट होता है या कॉमन मिंट होता है जिसको हम, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका मेंथा स्पाइकेटा। नेक्स्ट इज, जो आपका ओसिमम स्पीसीज है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो केमिकल है मेनली पाया जाता है? जो ओसिमम किलीमेंगशेर कम है, तो इसमें मेन केमिकल कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका बी, कैम्फर। नेक्स्ट इज, पपाइन इज यूज्ड इन, जो आपका पपाया होता है उससे पपाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो पपाइन होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री दोनों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज, द वृंदावन गार्डन सिचुएटेड अलोंग द रिवर,
जो आपका वृंदावन गार्डन है जो कि कहाँ पे, कर्नाटका स्टेट में। तो ये किस रिवर के बैंक के, हम कह सकते हैं कि किस रिवर के अलोंग सिचुएटेड है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कावेरी नदी। नेक्स्ट इज कैलेक्स स्प्लिटिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ, कैलेक्स स्प्लिटिंग जो है वो किस फ्लावर क्रॉप का डिसऑर्डर है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कार्नेशन का। क्राइजेंथिमम इज ए, क्राइजेंथिमम जो है वो क्या है फोटोपीरियोडिकली? इसका राइट आंसर है आपका ए, शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया इज, कौन सा प्लेस है जो है जिसको हम स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, महाबालेश्वर। द नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट इज, इनमें से कौन सा फ्रूट जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक है नेचर में? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, लीची जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक होती है। नेक्स्ट इज इफ ए फ्लावर अरेंजमेंट अपीयर्स टू बी रेडी टू फॉल ओवर इट लैक्स, अगर कोई ऐसी फ्लावर अरेंजमेंट है जो कि ऐसा लगता है कि इट इज रेडी टू फॉल ओवर, तो इसमें किस चीज की कमी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, बैलेंस। नेक्स्ट इज ए जीनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर हैविंग ए डैश टेक्सचर, जो जीनिया फ्लावर क्रॉप है तो उसमें किस टाइप का टेक्सचर होता है? फाइन, मीडियम, शाइनी या कोर्स? इसका राइट आंसर है आपका डी, कोर्स टेक्सचर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।